दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कीजिए। दोस्तों समाप्त हो चुका है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 भारत बनाम नीदरलैंड का तूफानी मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले पहले पहले बाजी करते भारतीय टीम ने 179 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और नीदरलैंड को मुकाबला जीतने के लिए 180 रन चाहिए थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम पूरी तरीके से ढह गई भारतीय टीम के सामने। दोस्तों पहले सलामी बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह 1 रन बनाकर आउट हो गए भुवनेश्वर कुमार के हाथों, तो वहीं अक्षर पटेल के हाथों मैक्स दाऊद 16 रन बनाकर आउट हो गए। फिर अक्षर पटेल के हाथों बेस लीड 16 रन बनाकर आउट हो गए। अश्विन के हाथों एकरमैन 17 रन बनाकर आउट हो गए। टॉम कूपर भी मात्र 9 रन बनाकर अश्विन के हाथों आउट हुए। भुवनेश्वर ने कप्तान एडवर्ड्स को निकाला मात्र 5 रन पर, जिसके चलते ट्रिंगल 20, बीक 3, शरीज अहमद 16, क्लासन 0 और मैकग्रेन 14 रन बनाकर आउट हो गए और मात्र 123 रन ही बना पाई नीदरलैंड की टीम भारतीय टीम के सामने 9 विकेट के नुकसान पर, जिसके चलते भारतीय टीम ने 56 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों मुकाबले में शामी ने 1 विकेट निकाली, अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले, उनके साथ भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट निकाले, अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाले और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट निकाले। 4 गेंदबाजों के हाथ में 2-2 विकेट आई और 1 विकेट आई शामी के हाथों, जिस गलते 56 रनों से भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। तो दोस्तों आप भारतीय टीम की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का एक और तूफानी मुकाबला जो कि भारत और नीदरलैंड के बीच में खेला जा रहा है। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता, टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी को चुना। उस ऐसे में केएल राहुल और रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत इस मुकाबले में खराब रही। दोस्तों इस तरीके से पहले सलामी बल्लेबाज केएल राहुल LBW आउट होकर रह गए। दोस्तों केएल राहुल इस मुकाबले में मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते हैं, मैकिलेन की गेंद पर LBW आउट हुए, लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली। भारतीय टीम की 11 रन पर पहली विकेट गिर चुकी थी। ऐसे में उसके बाद पहले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी दिखाई, विराट कोहली के साथ मिलकर अर्धशतकीय पार्टनरशिप निभाई, लेकिन उसके बाद भी कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला रुका नहीं और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों पर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया 35 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन उसके ठीक बाद फ्रेडी क्रासन की इस गेंद पर सामने खड़े फील्डर एग्रोमैन को अपनी कैच बैठे, जिसके चलते रोहित शर्मा 53 रन बनाकर 39 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम को यहां से वापस से बड़ा जीवनदान मिला, जिसके चलते विराट कोहली तूफानी गियर में बल्लेबाजी करने लगे। जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, यहीं भी वैसी ही बल्लेबाजी की और जड़ दिया अपना तूफानी अर्धशतक। मात्र 37 गेंदों पर अर्धशतक लगाया विराट कोहली ने, लेकिन उनके सामने सूर्य कुमार यादव की पारी ने आग लगा दी मैदान पर। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 7 चौके व 1 छक्का लगाकर मात्र 25 गेंदों पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी उनके साथ 62 रनों की नाबाद पारी खेली विराट कोहली ने 44 गेंदों में, जिसके चलते 179 रन लगा दिए हैं भारतीय टीम ने 20 ओवर में। अब नीदरलैंड को मुकाबला जीतने के लिए 180 रन लगाने हैं। दोस्तों आप विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं। दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम नीदरलैंड का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप का 23वां मुकाबला है और भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला है। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेटों से जीता था, अब भारी है भारतीय टीम के दूसरे मुकाबले की। दोस्तों नीदरलैंड की टीम के साथ भारतीय टीम का मुकाबला होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड मैदान पर, जो कि काफी बड़ा, काफी सुंदर और काफी बेहतरीन स्टेडियम है। बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश के 50-50% चांसेस बताए जा रहे हैं सिडनी के फोरकास्ट द्वारा। जी हां दोस्तों, 50% बारिश आ भी सकती है और 50% बारिश नहीं भी आ सकती है, क्योंकि दोपहर के वक्त वहां का मौसम काफी ज्यादा बदल रहा है। दोस्तों अगर हम टॉस की बात करें तो अगर रोहित शर्मा टॉस जीते हैं तो रोहित शर्मा सबसे पहले गेंदबाजी को ही चुनेंगे, क्योंकि वो अपनी गेंदबाजी को शुरुआत में गेंदबाजी करने के लिए काफी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के नेट सेशन की बात करें तो भारतीय टीम के नेट सेशन काफी बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं और सभी खिलाड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों खास करके केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा काफी ज्यादा तगड़ी प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं और उनके साथ सूर्य कुमार यादव एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर काफी लंबे छक्के लगाते हुए नजर आए। ऐसे में सूर्य कुमार यादव भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ ये मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाएं। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की बेहतरीन पारी को एक लाइक तो जरूर करें। विराट कोहली के लिए लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो जल्दी से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम पाकिस्तान का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे रोमांचक मुकाबला, जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। 82 रनों की पारी खेलकर विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है, जिनमें से आज हम आपको कुछ बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें विराट कोहली ने 11 बार सक्सेसफुल रन चेस में अर्धशतक लगाया है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 11 बार चेस करते हुए विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया है, यानी कि ये सबसे बड़े चेस मास्टर हैं टी20 वर्ल्ड कप में। 200 सक्सेसफुल रन चेस में 9 इनिंग में विराट कोहली ने 518 रन लगाए हैं और एवरेज भी उनकी 500 से ज्यादा है, जो अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। दोस्तों विराट कोहली ने अगले बड़ा रिकॉर्ड बनाया है टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज चेस करते हुए टोटल को प्राप्त करने का। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ 3 बार ये करिश्मा विराट कोहली से पहले कर चुके हैं, 2 बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर चुके हैं, इसीलिए विराट कोहली को रन मशीन कहा जाता है। 200 चेस करने के मामले में विराट कोहली का एवरेज सबसे ज्यादा है। इनसे बेहतरीन चेस क्रिकेट की दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता, ये रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं। ऐसे में विराट
कोहली ने एक ही मुकाबले में एक ही पारी में बेहतरीन रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है। दोस्तों आप विराट कोहली की शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में जरूर। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक लाजवाब बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रही, जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारतीय टीम ने पहले ही मुकाबले में 4 विकेटों से हराकर इतिहास रचा। इस मुकाबले के असली विजेता थे विराट कोहली, जिन्होंने 82 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन इसी मुकाबले के आखिरी ओवर में हुआ बड़ा हंगामा। दोस्तों आखिरी ओवर की नो बॉल की कॉन्ट्रोवर्सी अभी तक चल रही है कि अंपायर ने जो नो बॉल दिया था वो सही था या गलत। आइए आपको पूरे मामले पर लेकर चलते हैं। दोस्तों जब आखिरी 3 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी भारतीय टीम को जीत के लिए और नवाज गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसे में नवाज ने फुल टॉस गेंद रखी थी विराट कोहली को, जो कि डायरेक्ट फुल टॉस गेंद आई थी विराट कोहली के सामने, तो विराट कोहली ने इसे स्वीकार करते हुए बड़ा शॉट लगा दिया था और ये गेंद गई थी छक्के की ओर। तभी विराट कोहली ने अंपायर से बुरी तरह से इस तरीके से अपील की थी कि ये नो बॉल क्यों नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, बिना ज्यादा देर सोचे समझे अंपायरों ने डिसीजन लिया कि ये नो बॉल है, जबकि विराट कोहली काफी ज्यादा क्रीज से आगे आ चुके थे। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बातें उठ रही है। दोस्तों विराट कोहली के बोलने पर ऐसा लग रहा है कि अंपायर ने नो बॉल दी, ऐसा सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स का कहना है। दोस्तों यही वो शॉट था जिससे कॉन्ट्रोवर्सी हुई। दोस्तों आप ही बताइए क्या ये नो बॉल है या नहीं, और अगर ये नो बॉल नहीं होता तो क्या भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाता या नहीं। लेकिन आखिरी ओवर काफी ज्यादा शानदार रहा, भारतीय टीम के रनमशीन विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को एक बेहतरीन जीत दिलाई। ऐसे में इसी के साथ भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप के रास्ते काफी ज्यादा आसान हो चुके हैं सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए और बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप कमेंट में बताइए क्या ये नो बॉल है या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली और भी तूफानी बल्लेबाजी करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। विराट कोहली के लिए लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक जल्दी करिए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में समाप्त हो चुका है तूफानी मुकाबला और 4 विकेटों से भारतीय टीम ने एक और बार ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मात दे दी है 4 विकेटों से, जिसका पूरा श्रेय विराट कोहली को जाता है। क्योंकि जब भारतीय टीम पाकिस्तान के 160 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज मध्यक्रम में आउट हो चुके थे, तब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने जो साझेदारी की वो क्रिकेट इतिहास में आज तक सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। खासकर विराट कोहली ने आज जो 82 रनों की पारी खेली है वो काबिले तारीफ है। लेकिन इस मुकाबले में जब 6 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी आखिरी ओवर में और हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, तब विराट कोहली ने काफी दिमाग का इस्तेमाल किया। दोस्तों विराट कोहली ने जैसे ही नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आ गए थे बल्लेबाजी करने के लिए उनको, तो उनको समझाने लगे कि वो स्ट्राइक दें। दोस्तों इस चीज को देखकर रोहित शर्मा भी काफी गम में आ गए और जैसा रोहित शर्मा ने विराट कोहली की तरफ देखा तो विराट कोहली ने दिनेश कार्तिक से एक सिंगल ले ही लिया, जिसके चलते स्ट्राइक पर आ गए थे विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली सेट बल्लेबाज थे, तभी उन्होंने अगली गेंद पर नवाज की नो बॉल पर छक्का जड़ दिया और मुकाबले को बदल दिया, जिसके चलते जीत का अंतर काफी ज्यादा कम हो चुका था क्योंकि फ्री हिट पर 6 रन आ गए थे, उसके बाद 3 रन आ चुके थे तो 11 रन ऐसे ही आ चुके थे, जिसके चलते विराट कोहली ने मैच को शानदार तरीके से जीत लिया। 282 रनों की नाबाद पारी के लिए विराट कोहली ने 53 गेंदों में, इसी के साथ भारतीय टीम को 4 विकेटों से शानदार जीत मिली। दोस्तों आप विराट की आज की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को भारतीय टीम का वापस कप्तान बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है, जहां भारतीय टीम ने 4 विकेटों से शानदार जीत हासिल की पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों इसी के साथ भारतीय टीम ने जीत से अपना खाता खोला है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के रास्तों का। लेकिन इसी मुकाबले में एक ऐसा पल आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों दरअसल ये बात है मैच के आखिरी ओवर की, जहां भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे भारतीय टीम के रन मशीन विराट कोहली, गेंदबाज थे मोहम्मद नवाज। दोस्तों जैसे ही चौथी गेंद फेंकी मोहम्मद नवाज ने विराट कोहली को, तो विराट कोहली ने इस फुल टॉस गेंद को छक्के में बदल दिया और गेंद गई सीधा छक्के के पार। तभी अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। जैसे अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया, बुरी तरह से बाबर आजम भड़क उठे अंपायर के ऊपर और जाकर अंपायर से बात करने लगे। दोस्तों अंपायरों ने ज्यादा देर सोचकर ये डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल डिसीजन था। अंपायरों का ये फर्ज था कि वो सोच समझ कर डिसीजन ले, क्योंकि विराट कोहली क्रीज से आगे आ चुके थे और अगर वो क्रीज के अंदर रहते तो उनकी कमर के नीचे हो जाती गेंद। लेकिन अंपायरों ने इस चीज का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया और जैसे ही उन्हें लगा कि ये गेंद नो बॉल है तो कोई गेंद को नो बॉल दे दिया। अगर विराट कोहली विकेट क्रीज के थोड़ा सा पीछे रह जाते तो ये गेंद नो बॉल नहीं होती, ऐसा ही कहना था बाबर आजम का, जिसे देख पवेलियन में से विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी हैरान हो गए। लेकिन दोस्तों आपके अनुसार क्या ये नो बॉल है या फिर ये नो बॉल नहीं है, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इसी गेंद ने आज भारतीय टीम की जीत को पक्का किया। अगर ये गेंद पर नो बॉल नहीं होता तो शायद भारतीय टीम के पास आज जीत भी नहीं होती। दोस्तों आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर फोर के अपने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने 4 विकेटों से तूफानी मुकाबला हराकर रख दिया है भारतीय टीम को। लेकिन इस मुकाबले में कई ऐसे पल आए जहां भारतीय टीम ये मुकाबला हार सकती थी, लेकिन भारतीय टीम की किस्मत ने काफी ज्यादा साथ दिया। दोस्तों दरअसल ये बात है आखिरी ओवर की, जहां 3 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। वैसे वक्त पर मोहम्मद नवाज ने सबसे बड़ी गलती की सेट बल्लेबाज विराट कोहली को फुल टॉस गेंद रखने की, और फुल टॉस गेंद उन्होंने रखी और वो गेंद गई उनके कमर के ऊपर, जिस गेंद से विराट कोहली को फ्री हिट मिली और उस गेंद पर विराट कोहली ने छक्का लगाया, जिसके चलते 6 रन छक्के के मिले, 1 रन फ्री हिट का मिला और जो फ्री हिट की गेंद थी उस पर भी विराट कोहली
कोहली ने दौड़कर 3 रन ले लिए, जिसके चलते बिना कोई गेंद के भारतीय टीम को 9 रन मिले, जिसके चलते भारतीय टीम ने 16 रन इतनी आसानी